शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे बड़े भाई हिराक्षी का मृत्यु हो गया महाराज। क्या बात कर रहे हो, मेरे भाई की मृत्यु? वो भी किसी मनुष्य से नहीं पर एक प्राणी से हुआ है, और वो मैंने मेरी नजरों से देखा है। वरा का बच्चा अपने भाई का खून पी गया। वृणा के अवतार के कारण विनाक्षी का मृत्यु हो गया। अभी भी आप समझ सकते हो महाराज, समय होने से पहले आप संभल जाइए, भगवान के सामने की लड़ाई बंद कर दीजिए, उनकी स्तुति करो महाराज। चुप करो राजगुरु। सेनापति, आप नगर में ढंडेरा पिटाओ, जो कोई मेरे दुश्मन को पूजेगा उसका सर काट लूंगा। जैसी महाराज की आज्ञा। ए भाई, तुझे जिससे दुश्मनी लेनी है ना, वो अमर है, तू उसका बाल भी नहीं बाका कर सकता। तेरा मृत्यु उनके हाथों में ही है भैया, इसलिए बोल रही हूँ भाई, मृत्यु पर विजय पाने के लिए अमर होने का वरदान मांग और फिर दुश्मनी की आग शांत कर। हाँ बहन, मैं वो अमरत्व पालूंगा, परसों तक मैं तप करूंगा, देवताओं को मनाऊंगा, पर वरदान मैं लेके रहूंगा। वरदान लिए बगैर अगर मैं वापस आया तो तू बिना पूछे तेरे हाथ से मेरा सर उड़ा देना। जो तू वरदान लिए बिना वापस आया तो तुझे तेरी माँ की सौगंध है, बहन की सौगंध है, नहीं तो तू जिंदा रहेगा तब तक मैं तुझे धिक्कारूंगी और तेरे जीते जी तेरा श्राद्ध कर दूंगी। नहीं बहन, मैं मेरे भाई के हत्यारे को अपने चरणों में ना झुकाऊं तब तक मेरे भाई की चिता ठंडी नहीं होगी। जिस खानदान में मैं जन्मा हूँ उस खानदान की मुझे आन है, मैं अति शीघ्र प्रयाण कर रहा हूँ। ना जाओ सामने, आप वहाँ मत जाओ। मैं जो अगर तप करने ना जाओ तो मेरे भाई का बदला नहीं ले सकता। दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होती बल्कि दुश्मनी बढ़ती है महाराज, मेरी बात मान लो। रुक जाइए स्वामी। रुकने के लिए अब मेरे पाँव नहीं रुकेंगे देवी। पाँव नहीं रुक सकते तो वापस ले लीजिए। अगर आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ना हो तो मेरे पेट में जो बच्चा आकार ले रहा है, कम से कम उसके लिए तो रुक जाओ। कर्तव्य के आगे माँ की आजीजी नहीं चलती है। देव दुश्मन बन के अपने पे टूट पड़े है और हमेशा हम सहते रहे, नहीं कदापि नहीं। भाई, तेरी पत्नी की आजीजी सुन के तेरे पाँव पीछे मत लेना, मेरे बताए मार्ग से पीछे मत हटना भाई। होलिका बहन, क्यों इनको आप जंगल में तप करने के लिए भेज रहे हो? क्यों हमारी जिंदगी में विरह की आग भड़का रही है? तुमको सिर्फ तुम्हारे विरह की पड़ी है, लेकिन जो विधवा हो गई है, जिसके कंगन छिन गए हैं, जिसके शरीर से वस्त्राभूषण निकल दिए हैं, उसको अपना जीवन विधवा बन के बिताना है, उसके दुख के सामने तुम्हारे विरह की क्या विसात? पर ननन मां, चुप। ए दुख की आंधी आएगी तब देवातिदेव के खप्पर उसमें चले जाएंगे, तभी ही मेरे भाई की हिरण्याक्षी चिता ठंडी होगी, सब देव के खून की बलि चढ़ेगी, तभी ही उस विधवा की चूड़ी की कीमत समझ में आएगी। समझी बेवकूफ औरत? देव को समझाने वाली बहन जी, आप खुद क्यों नहीं समझ रही कि हम औरतों की वजह से ही देवों ने आक्रमण किया? न जाने कितनी बहनों की मांग सुनी कर दी, ऐसे ही देवों ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं। दोष उनका नहीं है ननन जी, दोष हमारा है, हमारा। चुप कर कयागु, ये मेरी पत्नी बोल रही है कि विष्णु की दासी, मेरी पत्नी होकर मेरी परछाई बनने से ज्यादा तू देवताओं की परछाई बन रही है, धिक्कार है तुझे। बहन होलिका, तेरे भाई का निर्णय अटल है, मैं तप के लिए जा रहा हूँ। प्रणय ना करो स्वामी, आपका बेटा जब जन्म लेगा और आपको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखेगा, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? जन्म लेते ही वो पिता को ना देख पाए, ऐसा जुल्म आप मुझ पे मत करिए स्वामी, मेरी बात मान लीजिए। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। क्यों कर्तव्य पालन करने जा रहे पति के पैर की बेड़ी बन रही हो? क्यों दुश्मन की आग बुझाने को तैयार हुए हो? क्यों रो रो के मेरे भाई को कमजोर बना रही हो? तुम समझती क्यों नहीं हो बेवकूफ? देवों के विनाश के लिए यज्ञ क्या है, उसमें क्यों हड्डियां डालते जा रही हो तुम? भाई, आगे बढ़े हुए कदम पीछे मत लेना, और वरदान लिए बिना आया तो तुझे माँ की सौगंध है, मृत्यु हो चुके भाई की सौगंध है और विधवा भाभी की सौगंध है, ये बात याद रखना। सुखी रहे बहन, सुखी रहे। ना जाओ। चल अंदर। क्यों बे, अंधा है क्या, दिखता नहीं है? अंधा नहीं हूँ, लेकिन तुझे देख के अंधा बन गया हूँ, मेरा सपना सच हुआ। सपना? हाँ। कौन सा सपना?
हाँ, रात को भगवान मेरे सपने में आए, मेरे को बोले टपुड़ा कल सुबह पूर्व दिशा में सड़सड़ाहट सीधे चले जाना और वहाँ तुझे सामने एक सुंदर सी कन्या दिखेगी, उसके साथ टकराना और उसके साथ टकराए जाना तो तेरा विवाह हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब तुझे भगवान ने बोला था? हाँ। ये बोला था कि नहीं? नहीं, ये वो बेचारे बोलना भूल गए थे। इस तरह की हरकत वापस की ना तो बत्ती से निकाल के हाथ में दे दूंगी। हाय 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 हाय, क्या नखरे हैं। सोचा था केरी, निकला तरबूज। वाह वाह वाह, बाकी भगवान ने क्या फुर्सत से उसको बनाया है। रंभा, अरे रंभिके, अरे रंभिके। ओम ब्रह्मा नमः। ओम ब्रह्मा, ओम ब्रह्मा नमः। हे भगवान, मेरे स्वामी आपको रिझाने के लिए गए हैं। क्रोध मत रखना, अमित दृष्टि ही रखना, भले उनको वरदान मत देना मगर उनको सही सलामत वापस भेज देना। अपने घर में दुश्मन की पूजा हो रही है, क्या मांगा? अपने पूरे कुटुंब के निकंदन निकल जाए ही। ननन जी, आप हमेशा उल्टी ही बात करते हैं। मैं तो हम सब लोगों की सुख और शांति की प्रार्थना कर रही थी। हजार बार ना बोला है कि दुश्मन को घर में मत रखो, फिर भी छुपा छुपा के रखते हो। आज तो मैं अपने हाथ से ही निकालूंगी, तभी राजमहल में शांति होगी। ऐसा मत करो ननन जी, अगर चाहिए तो मुझे सजा दीजिए मगर ये मूर्ति मुझे वापस दे दीजिए। आज तो तुझे ये मूर्ति वापस नहीं मिलेगी। ऐसा मत करिए ननन जी, इस दुखियारी का सहारा सिर्फ एक ही है, एक ही है। और इस राजमहल में दुख लाने वाला यही तेरा भगवान है। तुझे मूर्ति चाहिए ना? हाँ। तो ले, ये ले। हाँ। ननन जी, ये क्या किया आपने? ननन जी, ये आपने क्या कर दिया? जब मेरे भाई को मारा तब मेरी भाभी की चूड़ी ऐसे ही चूर चूर हुई थी, आज तेरा भगवान चूर चूर हुआ। भूल रही हो ननन जी, भगवान तो कण कण में है, इस मूर्ति में भी भगवान है। जय महादेव, त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधे, त्राहि माम शरणागतम। प्रभु प्रभु, गजब हो गया, पूरे संसार में से विष्णु का नाम हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, आपका नाम पूरी तरह मिटा देना चाहता है। क्या हुआ? वो बहुत ही जिद्दी है प्रभु, जो उसके तप में हमने विघ्न नहीं डाले तो फिर वो हमें परेशान कर सकता है। तो अब आप ही इस तप का उपाय ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने काफी तपोभंग किए हैं और ये आप ही कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो इंद्रदेव, आप क्या सोच रहे हो? विचार नहीं, उपाय देवर्षि। देखो, नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्माय। अबे ओ टप्पू, मुझे देखकर ये ऊपर क्यों चढ़ गया? तू है ही इसी। अच्छा, ये बात करने से पहले नीचे तो आ। नहीं हाँ, मुझे मेरे दांत नहीं तोड़वाने। अरे नहीं मारूंगी, पहले नीचे आ तो सही। मैं यहीं ऊपर ही ठीक हूँ, तू नीचे और मैं ऊपर। अरे मैं कह रही हूँ नीचे आ ना, मीठी मीठी बातें करेंगे। क्या हाँ। करें? बातें करेंगे। पक्का? बातें करेंगे। तो फिर ले आ गया। अबे ओ टप्पू,
आजकल तो मेरे सपनों में आता है। क्या बात है, मैं रोज तेरे सपने में आता हूँ? हाँ, जिस दिन से मैंने तुझे देखा है ना, बस मेरा दिल ही कहीं नहीं लगता है। वाह वाह, इसका मतलब तू मेरे साथ मारा मारी करेगी? ए, हाँ। तू जाना मेरे पिताजी के पास। हाँ? और अपने शादी की बात करना। अरे मैं तो तेरे बाप के पास जाके अपने विवाह की बात करूँ, लेकिन तेरा बाप ऐसे घंटी हिला के ना बोला तो? मेरे पिताजी को राजी करने के लिए तुझे सिर्फ एक ही तीर चलाना होगा। तेरे बाप को तीर मारूं? नहीं, मेरे पिताजी को तीर नहीं मारना। हाँ? है तुझे सरदार बनना है। सरदार? हाँ? तू सरदार बन जाए, इसका मतलब हम... मतलब अपना विवाह पक्का। क्यों? आपको तो बहुत जल्दबाजी। अरे भाई, शुभ काम में देरी नहीं।